नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा महान क्रांतिकारी व समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती पर महात्मा फुले चौक पर जाकर माल्यार्पण की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सहरावत, भोपाल लोकसभा प्रत्याशी कप्तान अक्षय गोठी, प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सूर्यवंशी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश सचिव गंगाधर बारस्कर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शिबू एस दास, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सहयोग तोमर एवं अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्यारह अप्रैल 2024 में महात्मा फुले की जयंती 7 नंबर स्टॉप पे परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ने फूल माला अर्पण किए। उन्होंने नारी शक्ति को देश में उज्ज्वल बनाया और महात्मा फुले आज देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। हम उनको याद करने, हमारी पार्टी परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया याद कर रही है कि नारी शक्ति का सम्मान पूरा देश करे। और हमारे अक्षय गोठी साहब अपने लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ हम सब लोगों को पार्टी का अवसर मिला कि श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। प्रमोद सूर्यवंशी, प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया। महात्मा फुले जी की सत्य शोधक समाज नामक संस्था से सत्य को स्थापित किया उन्होंने देश में। मैं भोपाल वासियों से निवेदन करूंगा कि फुले जी से प्रेरणा लेके अपने जीवन को उज्ज्वल बनाए। मैं कप्तान अक्षय गोठी, लोकसभा प्रत्याशी भोपाल। आज महात्मा ज्योति जी की जन्म तिथि पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और महात्मा जी के जो संघर्ष इस समाज के लिए रहा, एक समाज को उन्होंने एक प्रेरणा दी और समाज में एक नया परिवर्तन वो लेके आए। उन्होंने नारी शक्ति के लिए जो कार्य किया, जो नारी को शिक्षा का जो अधिकार दिलाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए, महिलाओं के लिए, जो कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। और महात्मा फुले जी अमर हैं और अमर रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।